नमस्कार, मैं हूं रमेश सोलंकी। आप देख रहे हैं द खबर एक्सपर्ट शो। आज खबर एक्सपर्ट शो के माध्यम से आपको अहम जानकारी देने जा रहे हैं, जिसको सुनकर आपका सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा। 27 मार्च को भारतीय DRDO के वैज्ञानिकों ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल लॉन्च की है। इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल से दुनिया की शक्तिशाली से शक्तिशाली मिसाइल को मात्र 3 मिनट में मार गिराया जा सकता है। आज से पहले विश्व के मात्र 3 देशों पर, जिसमें अमेरिका, रूस और चीन देशों के पास ऐसी तकनीकी उपलब्ध थी, लेकिन आज खुशी की बात यह है कि आज 4थे नंबर पर हमारे देश ने भी स्पेस पावर के रूप में विश्व में और अंतरिक्ष में अपना परचम लहरा दिया है। आज इस खुश बात को सुनकर सभी देश का हर नागरिक खुश होगा। इस खुशी पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी देशवासियों को बधाई दी तथा DRDO के वैज्ञानिकों को हार्दिक बधाई दी इस मिशन पर। आप ही देखें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। अपना नाम अंतरिक्ष महाशक्ति, स्पेस पावर के रूप में दर्ज करा दिया है। अब तक दुनिया के 3 देश अमेरिका, रूस और चीन को यह उपलब्धि हासिल थी। अब भारत 4था देश है जिसने आज यह सिद्धि प्राप्त की है। हर हिंदुस्तानी के लिए इससे बड़े गर्व का पल नहीं हो सकता है। कुछ ही समय पूर्व हमारे वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में, स्पेस में 300 किलोमीटर दूर LEO लो अर्थ ऑर्बिट में एक लाइव सैटेलाइट को मार गिराया है। LEO लो ऑर्बिट में यह लाइव सैटेलाइट, जो कि एक पूर्व निर्धारित लक्ष्य था, उसे एंटी सैटेलाइट ASAT मिसाइल द्वारा मार गिराया गया। सिर्फ 3 मिनट में सफलतापूर्वक। जैसा कि आपने देखा, प्रधानमंत्री ने अपने वीडियो में क्या कहा, इसको सुनकर के राहुल गांधी जी के, जो विपक्षी नेता हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, उनके होश उड़ गए और उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से तंज कसा। आप देखें उस ट्विटर अकाउंट को, उन्होंने अपने शब्दों में क्या कहा। तो आपने राहुल गांधी का ट्विटर अकाउंट देखा, जिसमें ट्विटर अकाउंट में राहुल गांधी ने क्या कहा। राहुल गांधी ने DRDO के वैज्ञानिकों को हार्दिक बधाई दी तथा भारत के प्रधानमंत्री को ट्विटर अकाउंट के माध्यम से तंज कसते हुए थिएटर शो के लिए उन्होंने शुभकामना दी। थिएटर शो का शुभकामना देने का अर्थ सभी समझ रहे हैं क्या होगा, ये जनता ही आगे चुनाव में बताएगी कि जो उन्होंने तंज कसा है, जनता किसको इसको लाइक करती है, कितना डिसलाइक करती है। ये तो 11 अप्रैल को चुनाव होगा, उसमें जवाब देगी क्या राहुल गांधी का तंज ये मोदी के वोटों को गिरा पाएगा या कांग्रेस के पाले में वोट बढ़ा पाएगा। ऐसे ही आगे की जानकारियां आपको अपने द खबर एक्सपर्ट शो के माध्यम से देते रहेंगे। तब तक देखते रहिए हमारा द खबर एक्सपर्ट शो। धन्यवाद। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो खबर एक्सपर्ट पेज को लाइक करें और सीफर्स करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो खबर एक्सपर्ट चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें।